सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ललितपुर नोनिया टांगर में खाने को लेकर दो दोस्तों में विवाद हो गया। आपको बता दें कि आपसे विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त पर धारदार चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं इधर घायल युवक को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं पूरे मामले में सीतापुर पुलिस ने आरोपी रंजीत बरगाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फरार आरोपी रंजीत बरगाह की पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है। घटना ग्राम नोनिया टांगर का है। उसमें जगेश्वर राम माझी जी का भाई बलन राम के यहाँ मजदूरी करने गया था। उसके साथी और थे, तीन चार लोग। धान उनका ढुलाई लगी हुआ, शाम को खाना पीना खाने का व्यवस्था था। उसी दौरान जो है तो भुवनेश्वर नागवंशी और रंजीत बरगाह के बीच में कुछ कहाँ सुनी हो गया खाने पीने की बात को लेकर। उसी दौरान भुवनेश्वर नागवंशी को रंजीत बरगाह ने चाकू से वार कर घायल कर दिया।